और आज हम जा रहे हैं हमारी टीम के साथ में जा रहे हैं हनुमान देखने के लिए, उसका भी रिव्यू आज आपके लिए हम जरूर लेके आएंगे। ये मतलब मैं मिडनाइट मास से चर्च में जा रही हूँ, चर्च बताया नहीं, कुछ नहीं। तो क्या बताया, जो अपनी लाइन, उनके कल्चर, उनके कॉस्ट्यूम, उनका जो संस्कृति कहते हैं, वो छोड़ते नहीं लोग। हेलो वन, मनी में दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों हमारे साथ में आ गए हमारे आम आदमी क्रिटिक, क्रिटिक ऑफ द मासेस विजय जी, स्वागत है आपका टू बॉलीवुड प्रेमी। लवली शर्ट सबसे पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है, पहले एकदम गोवा वाइब्स दिए आपने मेरे को आज। यस, हम आए हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे बात करने के लिए दोनों पिक्चरों की। मेरी क्रिसमस जो कि बॉलीवुड की पिक्चर है, श्रीराम राघवन डायरेक्शन, एंड हनुमान तेलुगु इंडस्ट्री की पिक्चर जो हिंदी में डब होके आई। सबसे पहले जानेंगे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इन दोनों पिक्चरों। फिर एक बार बाजी मार दी साउथ वाले ने, मेरी क्रिसमस और हनुमान। मेरी क्रिसमस का हो गया 3 दिन का 8 करोड़, 8 करोड़, और हनुमान का हो गया 32 करोड़। ओके, मतलब 2 दिन मेरी क्रिसमस का पकड़े, आज तीसरा दिन, ज्यादा कितना होगा से तो बहुत ज्यादा नहीं। तो फिर एक बार बाजी मार ली साउथ वाले ने, तो साउथ वाले के पास क्या कंटेंट है, उनके पास दिखाने के लिए बहुत कुछ है। वो अपना जो अपनी लाइन, उनके कल्चर, उनके कॉस्ट्यूम, उनका जो संस्कृति कहते हैं, वो छोड़ते नहीं लोग। वो अपने हिसाब से वो लोग दिखाते, इसलिए उनकी पिक्चर है सुपर हिट होती है। और हमारी तक मेरी क्रिसमस देखी हमने, वो क्या मतलब, फर्स्ट टाइम तो ऐसा लगा क्रिसमस का फील भी नहीं दिया, बस रास्ते पे चल रहे, कुछ नहीं। एक ही बार एक सीन दिखाया, वो इंस्पेक्टर से कहाँ जा रहे मैडम, मतलब मैं मिडनाइट मास से चर्च में जा रही हूँ, चर्च बताया नहीं, कुछ नहीं। तो क्या बताया, लोगों को पसंद नहीं आई, पसंद नहीं आई। उससे मेरी क्रिसमस से पहले एक गाना दिखा था शाहिद कपूर का, कृति सरन का। अच्छा, मतलब पिक्चर चालू होने से पहले। ओके, तो ये जो गाना बताया, पिक्चर का नाम है तेरी बातों में ये उलझा जिया। जिया सुपर, क्या गाना है, उल्टा वो मजा आया मेरी क्रिसमस से तो। अच्छा, मेरी क्रिसमस पिक्चर से ज्यादा वो गाने में मजा आया। क्या डांस किया कृति सरन और शाहिद कपूर ने, धमाल मचा दिया। क्या बात है, वो गाना पिक्चर में जब देखेंगे ना तो लोग थिएटर में नाचेंगे। ओहो, जबरदस्त गाना है। बहुत टाइम बाद शायद ऐसे एनर्जी में नाचते हुए दिख रहे हैं, जो मौजा ही मौजा याद आया उसके बाद ये गाना याद। तो ये हाल आजकल पिक्चर का, देखो कभी कभी पूरी पिक्चर पसंद नहीं आती, वो शायद कभी गाना पसंद। यस, इसी बात है विजय, हमने देखा आप जब पब्लिक रिव्यू भी किया, आपके साथ में भी रिव्यू किया, तो मेरी क्रिसमस का जो था वर्डिक्ट, पब्लिक का वर्डिक्ट भी फ्लॉप था। लेकिन फिर भी हमारे इंडस्ट्री के कुछ क्रिटिक्स है जो इसको मास्टरपीस बोल रहे हैं, उनके लिए आप क्या बोलोगे? क्या क्या हिसाब से मास्टरपीस, आप क्या कहना चाहते हो? कैटरीना कैफ ने उसके हस्बैंड को मार दिया और विजय सेतुपति ने उसकी वाइफ को मार दिया, तो आप दिखाओ तो सही, हम क्या सुने? क्या हम एक सोसाइटी में रहते, क्या हमको पता है कि दोनों टॉर्चर थे, एक दूसरे को मार दिया? पिक्चर आप क्लियर दिखाओ ना, आप इतने क्यों उलझाते हो लोगों को? अगर उलझाते हो तो एंड में तो बताइए कि किस तरह से मारा, क्या किया, क्या नहीं, कुछ नहीं। उसको डोसा पसीर पसंद था, बस वही। मतलब ये लोग ने रिव्यू में लिखा था कि आपको दिमाग लेके जाना पड़ेगा, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग अपना दिमाग घर पे छोड़ के आए थे। हम दिमाग लाए क्यों भाई, हम एंटरटेनमेंट होना चाहते हैं, कॉमेडी, खुश लोग आते हैं यहाँ खुश होने के लिए, इतना दिमाग यहाँ क्यों लगाए, अपने काम धंधा में नहीं लगाए लोग? करेक्ट। पिक्चर का मतलब क्या होता है, हम बरसों से पिक्चर देख रहे हैं, इतना मजा आता है, कलरफुल गाने, सुपर हिट सॉन्ग, अच्छे एक्शन, अच्छी कहानी, दुख भरी कहानी, लोग रोते भी है। ऋषि कपूर ने कहा कि हमारे ऑडियंस इतनी अच्छी है, मेरी फिल्में बार बार देखती है और बार बार रोती है। तो दिमाग क्यों लगाने भाई, पिक्चर अच्छी बनाओ। देखो हनुमान देखिए आप, यस, तो ठहर जय श्री राम चिल्लाते ना लोग, यहाँ से फील आना चाहिए। करेक्ट, अंदर से फील आना चाहिए। एक भी नेगेटिव रिव्यू हनुमान का नहीं मिला हमको। और आज हम जा रहे हैं हमारी टीम के साथ में, विजय जी के साथ, और हमारे बाकी के जो दो इडियट जिन्होंने देखी नहीं थी पिक्चर, उनके साथ जा रहे हैं हनुमान देखने के लिए, उसका भी रिव्यू आज आपके लिए हम जरूर लेके आएंगे। ये था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का रिएक्शन विद आर क्रिटिक ऑफ द मासेस विजय जी। आपको क्या लग रहा है कि ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देख के, तो आप हमको ये जरूर कमेंट्स में लिख के बताना, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द रिव्यू ऑफ हनुमान। थैंक यू।